मुझे लगता है कि अगर आपका काम चल रहा है कम रुपए में, घर वालों को प्रॉब्लम भी दिए बिना, तो उसके लिए आप बेड की ज़रूरत नहीं है, आपको बुक्स देखनी है। बुक्स देखें, मेरे पास बुक्स हैं, मैं बुक्स में आसपास ही रखता हूँ, और बेड में गद्दे में नीचे रह के मैं सो सकता हूँ, मुझे जाड़े से बचना है तो मैं कंबल ले रखिए। हाय एवरीवन, कैसे आप लोग? कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई लिखाई? लाइफ कैसी चल रही है? मेरे वीडियो को ज़्यादा आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो भी इन्फॉर्मेशन है, मुखर्जी नगर, संत नगर, वजीराबाद, करोल बाग, राजेंद्र नगर, जो भी यहाँ का स्टूडेंट लाइफ है, यहाँ कोचिंग का चाहे रिव्यू है, जो भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, दूर दराज के उस भाई बहन के पास पहुँचे जो यहाँ अभी नहीं है और यहाँ आना चाहते हैं, एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उनको मिलना चाहिए। आज मेरे साथ एक मेरे भाई और इनसे हम बात करने वाले हैं, SSC के एस्पिरेंट हैं, सारा कुछ बताएंगे, अपना स्ट्रेटेजी क्या है, इनका टाइम टेबल क्या है, कब से तैयारी कर रहे हैं SSC के। भैया आपका नाम क्या है और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मेरा नाम नागेंद्र सिंह परिहार है और मैं SSC CGL की तैयारी कर रहा हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी स्कूलिंग एजुकेशन क्या रही है? मैं सर यूपी के फतेहपुर ज़िले से हूँ और मैं CSGMU से ग्रेजुएशन कर रखी है मैंने। अच्छा, तो आप कब से मुखर्जी नगर में और कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं? सर मैं मुखर्जी नगर 1.5 साल से रह रहा हूँ यहाँ पर मुखर्जी नगर में, और मैं तैयारी मेरी लगभग 2 साल हो चुका है मेरा। मतलब आप पहले घर पे रह के कुछ तैयारी की, उसके बाद मुखर्जी नगर आए, और यहाँ पे आने के बाद आप क्या कोचिंग क्लास लिए हैं, कितने दिन कोचिंग किए हैं? जी सर, मैंने पहले घर में थोड़ा बहुत क्लासेस की ऐसे ही यूट्यूब में देखा कि SSC कैसा क्या, उसके बाद मैं मुखर्जी नगर आया लॉकडाउन से पहले, ये पेंडेमिक से पहले। फिर मैंने 6 मंथ क्लासेस की वहाँ पर, उसके बाद फिर मैं सेल्फ़ स्टडी की ओर आया क्योंकि मेरी क्लासेस पूरी ख़त्म हो चुकी थी तो मुझे अब सेल्फ़ स्टडी करनी थी। पहले मैं वहाँ पर रहा 6 मंथ, उसके बाद फिर मैं वहाँ से संत नगर आया क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कम कॉस्टली है तो मैं इसलिए यहाँ पर इतनी सम सिर्फ तो संत नगर में और मुखर्जी नगर में क्या डिफरेंस है? सर वहाँ पर कॉस्टली ज़्यादा है मुखर्जी नगर, इतनी समय तो क्लासेस बंद हैं तो कोई मतलब भी नहीं है वहाँ पर रहने का, तो मैं पहले ही रूम ले लिया था मैंने बाहर संत नगर में, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कम रुपए में रूम, सही जगह सही रूम मिलता है और सेल्फ़ स्टडी के लिए शोरगुल नहीं है, यहाँ पर शांति है, तो मैं इसीलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा प्रेफर किया अपने आप को। तो आपका जैसा कि डेली लाइफ क्या है, आप कैसे टाइम को मैनेज करते हैं? सर मैं मॉर्निंग में, मैं लेट नाइट स्लीप रहता हूँ, मेरा लेट नाइट स्लीपिंग है, तो मैं सुबह थोड़ा लेट से उठता हूँ, उसी हिसाब से फिर मैं अपना 4 पार्ट हैं जो GS, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, मैं उसी हिसाब से अपने आप को डिवाइड कर रखा है मैंने कि मुझे GS और रीजनिंग में थोड़ा कम टाइम देना है क्योंकि वास्ट जो पोर्शन है SSC के लिए वो मैथ और इंग्लिश है, तो मैं मैथ और इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ अपने स्टडी में ज़्यादा लाने के लिए। GS रीजनिंग में मैं करेंट अफेयर्स और ये थोड़ा बहुत मॉर्निंग में उठकर देख लेता हूँ, उसके बाद मैं रीजनिंग थोड़ा 1 घंटे में पढ़ लेता हूँ और फिर मैं इंग्लिश मैथ में ज़्यादा खास करके ध्यान देता हूँ। आप अभी तक कोई अटेम्प्ट दिया है कि नहीं, और आपका कोई अचीवमेंट है कि नहीं है? नहीं सर मैंने अटेम्प्ट CHSL का दे रखा है, लास्ट मंथ जो एग्ज़ाम हुआ उसमें, तो मैं लॉकडाउन टाइम में मैं घर में था, इस वजह से मेरी थोड़ी प्रिपरेशन में प्रॉब्लम हुई, तो इस वजह से मेरा उतना अच्छा नहीं गया जितना अच्छा जाना चाहिए था सिलेक्टेड होने के लिए, तो फिर मैं अभी मेरी प्रिपरेशन चल ही रही है, मैं सेल्फ़ स्टडी कर रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ और जो मैंने क्लासेस कर रखी हूँ उसका रिवीजन कर रहा हूँ। एक बात बताइए, आपके जैसे कि अभी दिल्ली में हैं, या आप अभी पेंडेमिक कोविड की वजह से बहुत स्थिति ख़राब है, और जो अभी बहुत सारे मेरे व्यूअर पूछते हैं मुझसे कि अभी मुखर्जी नगर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, दिल्ली आना चाहिए नहीं, प्रिपरेशन के लिए, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मुखर्जी नगर में अभी इतनी समय आने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए लड़कों को क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस ही सहारा है इतनी समय, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस बंद चल रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो वो घर से भी ली जा सकती हैं अपना टाइम देख कर, ये क्योंकि यहाँ पर आने का मतलब है कि रूम का रेंट देना और खाना खाना बाहर से, और पेंडेमिक में इतनी समय वैसे भी दिल्ली में बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा है, तो इस वजह से घर में ही रह के ऑनलाइन क्लासेस का सहारा लें, और ऑनलाइन क्लासेस में ही इतनी समय ऑनलाइन क्लासेस अच्छी से चल रही हैं तो ऑनलाइन क्लासेस लें और वहीं रहें जहाँ हैं इतनी समय। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ स्टूडेंट को आने की अभी ज़रूरत नहीं है, और अभी कोचिंग क्लासेस ओपन होने का कोई चांस नहीं है, मैं भी देखिए मैं भी बता रहा हूँ आपसे कि मैं मुखर्जी नगर जाता रहता हूँ, मुखर्जी नगर में मेरा सुबह का फिर शाम का चाहे मुखर्जी नगर में होता है। अभी स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं दिख रहे, एकदम बिल्कुल सन्नाटा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी नहीं खुलने वाले हैं अभी, तो प्लीज़ अभी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप यहाँ ना आए। भैया आप एक बात बताइए कि जैसा कि जो व्यूअर आपको देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर
मैं बोलूँगा कि जो SSC है तो उसके लिए आप घर में रह के सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अगर जो सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहा है घर में रह के, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं क्योंकि शोरगुल होता है घर में, माहौल नहीं बन पाता वो स्टडी का, तो अपने आप को कहीं एक रूम में सही जगह अपने आप को रखें और माहौल बनाएं उसका, क्योंकि मोटिवेशन जो होता है वो मोटिवेशन खुद में लाना पड़ेगा, दूसरों के मोटिवेट करने से उतना नहीं हो पाता है। एक टाइम होगा मोटिवेशन कि 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा, उसके बाद फिर वो अगर आपके अंदर वो नहीं है कि मुझे अपने अपने लिए बनना है, अपने मम्मी पापा के लिए बनना है, किसी के लिए भी बनना है कैसा, तो तब तक मोटिवेशन नहीं आएगा अंदर खुद से, तब तक आप मोटिवेट नहीं हो सकते। जिस तरह आप मोटिवेट करते हैं वो काफ़ी होता है, क्योंकि आप रियलिटी दिखाते हैं कि कहाँ क्या रियलिटी है। यहाँ पर जो संस्थान चला रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो चला रहे हैं इतने समय, उनकी रियलिटी आप बताते हैं। जो ऑनलाइन तो वो लोग बहुत सारी अपनी बताते रहते हैं खुद को, लेकिन यहाँ पर जो रियलिटी है वो आप बताते हो, तो उसको देखें और कैसा चल रहा है यहाँ पर माहौल इतने समय, तो उसके हिसाब से अपने आप को लड़के देखें। देखिए मेरी बहुत सारी विशेष आपको कि आप जल्दी से अचीव करें और आपका जो ड्रीम है SSC सीरियल क्रैक करना, आप उसको ज़रूर क्रैक करें। जी थैंक यू सर, बिल्कुल मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा ही हो। अच्छा आप ये बात बताइए कि आपका मोटिवेशन कौन है आपके फैमिली में, जैसे आपको कोई मोटिवेशन होगा ना, किसके लिए आप दिल्ली आए पढ़ाई कर रहे हैं? सर मैं अपने मम्मी पापा के लिए हूँ, जिस हिसाब से उन्होंने मेरे लिए किया है, तो स्टार्टिंग में उतना ज़्यादा मैंने खास कर नहीं देखा था, लेकिन अभी जब मैं आया तो अभी मेरे मुझे लगता है कि मुझे उनके लिए बनाना है, एक अच्छी लाइफ देनी है उनको, तो मैं अभी मम्मी पापा के लिए अपना बनना। आपके रूम में जैसा कि मैं आया तो देखा कि सामान काफ़ी बिखरा हुआ है, स्टूडेंट लाइफ एक्चुअली मैं भी इसको जिया हूँ, अभी भी जी रहा हूँ, मैं भी ऐसे ही रहता हूँ, तो ये बहुत अलग टाइप का फील हो रहा है कि आपके रूम में जैसे कि आप नीचे सो रहे हैं, सब किताबें फैली हुई आपका अगल बगल, तो ये क्या मतलब ऐसा क्यों, मतलब इस तरीके का लाइफ, बेड नहीं ले रहे हैं आप, ठंडी भी अब ज़्यादा आ गई है? जी सर बेड लेना एक वो था कि लेना चाह रहे थे पहले, तो उसके लिए एक है कि मुझे लगता है कि अगर आपका काम चल रहा है कम रुपए में, घर वालों को प्रॉब्लम भी दिए बिना, तो उसके लिए आप बेड की ज़रूरत नहीं है, आपको बुक्स देखनी है, बुक्स देखें, मेरे पास बुक्स हैं, मैं बुक्स में आसपास ही रखता हूँ, और बेड में गद्दे में नीचे रह के मैं सो सकता हूँ, मुझे जाड़े से बचना है तो मैं कंबल ले रखी है, तो ये उसी हिसाब से सर अपने आप से देख लीजिए टेबल, जिसमें आप सुटेबल रह सकते हैं बिना ज़्यादा अपना यूज़ किए हुए, तो उतने में देख लीजिए तो वही ज़्यादा सही है। मैं खाना भी बाहर नहीं खाने जाता हूँ अभी, क्योंकि पैंडेमिक बहुत ज़्यादा फैल रहा है इधर उधर, तो फिर मैं इसमें इतनी समय यही अपना सेल्फ बनाता हूँ, खुद से बनाता हूँ, खुद से खाता हूँ, खुद ही रहता हूँ यहाँ पर। देखिए इनकी स्टूडेंट लाइफ कैसी है कि ब्रेड खा रहे हैं महोदय, ब्रेड खा के किसी भी तरीके से बस पढ़ाई करना है, बस दोस्त मकसद नहीं पढ़ाई करना, बस जिंदा रहना और पढ़ाई करना, खुद को सही रखना है। मैं भी इनके रूम में आकर देखा तो मैं बहुत मतलब कि लाइट देख रहे हैं चल रहा है यहाँ पे, मैं आया तो ये बिल्कुल पढ़ रहे थे, और इनके रूम में आया तो बहुत ही अलग टाइप का एक माहौल बना हुआ है, तो बस यही पढ़ते रहिए, काम करते रहिए, संसाधन कुछ भी हो उसका सदुपयोग करना है, तो बस इनसे बात हुई, थैंक यू सो मच कि आपने अपना बहुत ही कीमती समय मुझे दिया। आप ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, और दूर दराज के जो क्षेत्र में रहने वाले हमारे भाई बहन हैं उनके पास वीडियो ज़रूर पहुँचाइए, और बाकी सारा वीडियो जो मुखर्जियों के बारे में मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर लव एंड सपोर्ट, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।